हेलो बच्चों, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 से। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 में कहता है, सिंपलेस्ट फिनोल इज नोन एज हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है, और इसी को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनोलिक। इनोलिक देखिए बच्चों, इन प्लस ऑल से मिलकर बना हुआ है, तो इन प्लस ऑल देखिए आपको बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फिनॉल। देखिए यहाँ पर ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है एक OH लिया हुआ है, फिनॉल है, इसमें जो है बेंजीन रिंग है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो OH कहीं पर भी लग सकता है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, तो ये भी सही है। इसमें क्या किया हुआ है, तो इसमें एक जगह OH लिया हुआ है और दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है CH3 लगाया हुआ है, तो ये सब के सब फिनॉल वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब कहता है नेचर ऑफ COH बॉन्ड कैसा है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला कार्बन जो है कैसा है, sp2 है, ठीक है, तो sp2 कार्बन से है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 में कहता है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप जानते हो कि ये जो मैग्नीशियम है ये आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो pH- है, pH- से हमें ये बना लेना है बेंजीन रिंग, तो ये कब बनेगा, जब इसको, जब इस ग्रिगनार्ड को, है ना, जब इस ग्रिगनार्ड को हाइड्रोजन मिल जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन किससे मिलेगा, तो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में अगर गौर से आप देखिए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये इसको दे सकता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करेगा और pH और H बोले तो मिलकर बेंजीन रिंग बना लेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 में कहता है द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। इसमें देखिए खास बात क्या है, दो pH है और एक CH3 है, कहता है कौन सा रिएक्शन आप यूज में लोगे। तो देखिए बच्चों, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो ये ग्रिगनार्ड कार्बन आयन बनाएगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये खुलेगा O-, O- को बाद में अगर प्रोटोनेशन कर दिया जाए तो फाइनली जो है ये कार्बन OH में, यहाँ पर देखिए pH, यहाँ भी pH और यहाँ पर CH3, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें देखिए ये भी ग्रिगनार्ड है, तो इसको भी यहाँ अटैक करने में कोई जोर नहीं आएगा, खुलेगा O- और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, दो दे रहा है, तो ऑल ऑफ दीज जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दो मोल लिया हुआ है, तो दो मोल क्यों लिया हुआ है ये समझिए, पहले मोल में क्या है कि ये pH- यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, खुलेगा ये दोबारा अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और उस समय ये यहाँ से टूट कर बाहर जाएगा, तो फाइनली बनेगा क्या, CH3 सी डबल बॉन्ड O और pH बन गया। अभी भी एक मोल ग्रिगनार्ड और है, तो ये pH- क्या है, दोबारा री अटैक करेगा इस वाले पर, और इस बार अटैक करेगा तो O- बनाएगा, OH बना देगा, ठीक है, तो इस कार्बन पर आपको दो pH और एक CH3 दिखेगा। कहने का तीनों के तीनों ऑप्शन से आपको ये वाला जो अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, ये बनता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है सबस्ट्रेट डॉज, डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस में बच्चों क्या होता है, बेसिकली इस तरह से हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन है, Cl है यहाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहला नंबर तो ये क्या है कि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, बोले तो सोडियम सॉल्ट बना लेता है, फिर बाद में जो है इसको H+ दे देते हैं, तो ये क्या करता है, इस तरह से फिनॉल बनता है। कुल मिलाकर जो है क्लोरोबेंजीन, देखिए यहाँ बोला हुआ भी है, डॉज प्रोसेस फॉर द फॉर मैनुफैक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनता है किससे बनता है, तो क्लोरोबेंजीन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 130 में कहता है विच कैटेलिस्ट इज यूज टू ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आधा ही है, टोलुइन इनटू फिनॉल होगा यहाँ पर,
ठीक है। और इसके लिए बेस्ट कैटलिस्ट जो है, कहने जो कैटलिस्ट ऑक्सीडाइज करेगा इसको फिनॉल में, वो है CuCl2 और MnCl2, ठीक है। तो ये तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ एक डॉज प्रोसेस अभी मैंने बताया था, और ये जो रास्टिंग प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस से जो है हम क्या करते हैं, फिनॉल में क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 132, इसमें है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब आप समझ रहे हैं, इस तरह से ये N2 प्लस और Cl माइनस है, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस है, ठीक है। अब इसका जो है अगर हम क्या करें, हीटिंग कर दें, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पर N2 गैस यहाँ से रिलीज कर जाता है और ये फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसके ऊपर, और फाइनली आपको जो है फिनोल बनता हुआ दिखेगा। तो हमसे पूछा क्या है, कहता है कि किससे आप जो है फिनोल कैसे बनेगा, तो इस H2O को यूज करने से बनेगा। H3PO2 को अगर यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और इस तरह से आपको बेंजीन मिलेगा। और ये NaNO2HCl, तो ये तो बकवास है, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, एनिलीन को डाइजो में कन्वर्ट करता है। तो ये डाइजो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 में बच्चों ये देखिए MnCl2, अभी एक क्वेश्चन आया था कि टोलुइन को जो है आप कैसे, ठीक है, टोलुइन को यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 133, टोलुइन को आप फिनॉल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए CuCl2 MnCl2 बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये टोलुइन है, और टोलुइन से जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 134 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है OH है और इधर COH भी है, और प्रोडक्ट में देखिए यहाँ से COH को गायब कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, और डीकार्बोक्सिलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, NaOH प्लस का CO और इसके साथ हीटिंग कर दें, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, सोडा लाइम, इसको शॉर्टकट में सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब NaOH और CaO ले लें और इसके साथ अगर हम हीटिंग कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा, यहाँ से चिपका देंगे और इस तरह से आपको फिनॉल मिल जाएगा। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं फिनॉल बनाने का ये भी एक अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 135 में कुछ गलती लिखा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली ये क्या है, कुछ ऐसा होना चाहिए C6H5C और CH3 का होल ट्वाइस। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों क्यूमीन का, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्यूमीन का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और फिर क्यूमीन का जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह से एक पेरोक्साइड बनाता है CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन भी है बच्चों। तो ये बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस तरह से इंसर्शन कर लेता है, इंसर्शन मतलब इसके बीच में आके ऐसे इंसर्ट हो जाता है, ये ऐसा, ठीक है। और फिर इसके बाद एसिडिक मीडियम में अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये बाद में फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमसे आगे कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है, हमसे बस केवल यही बोला गया है कि जब हम इसका ये करेंगे तो बताइए क्या मिलने वाला है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके बाद का रिएक्शन हो जाएगा बच्चों इसके में इस तरह से, सबसे पहला नंबर क्या होता है, ये इसके साथ जो है प्रोटोनेशन करके यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा, फिर बाद में ये फिनाइल इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और ये एक प्रकार से फिनॉल प्लस का एसीटोन बना लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल वाले चैप्टर में, ठीक है, ये आप जानते भी होंगे और जानना भी चाहिए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, ये देखिए यहाँ, हाँ सही में देखिए लास्ट में फिनॉल बनाया भी ना, देखिए हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस के बाद फिनॉल बनाया ना, हमसे देखिए ए पूछा है बीच वाला, तो बीच वाला यही वाला बना था, वही मैं सोच रहा था कि क्या दिया हुआ है, ये क्यों नहीं दिया है फिनॉल, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये लास्ट प्रोडक्ट है, बीच में जो है ये इस तरह से पर हाइड्रोक्सी वाला प्रोडक्ट बनता है।
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 134 में कहता है फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनिसोल। देखिए फिनोल से एनिसोल बनाना है, तो फिनोल बच्चों ये है और एनिसोल का मतलब होता है ये OCH3, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो CH2N2 है ना, ये जो CH2N2 है तो क्या है कि एलिफैटिक कंपाउंड के साथ जब भी ये डाइजो सिस्टम होता है तो ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, ये तुरंत यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में भागने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो जैसे ये फिनोल क्या करेगा ना, फिनोल में जो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और फाइनली आपको जो है ये मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो ये H2SO4 को ही मॉडिफाइड किया हो गया, ये कुछ ऐसा है इस तरह से H डबल बॉन्ड O और फिर CH3, ठीक है। अब इसके ऊपर भी फिर वैसे ही जैसे फिनोल अगर यहाँ पर अटैक करे ऑक्सीजन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस वाले पर अटैक करे तो ये यहाँ से तुरंत लीव करेगा और बेसिकली ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही है। सवाल उठता है कैसे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस जब ये लीव करेगा तो O माइनस बनाएगा। अब इस O माइनस को अगर आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पर जो है ना तीन तीन इक्वल RS देखने को मिलेगा, 3 इक्वल RS। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर 3 इक्वल RS मिलेगा। तो अब आप सोचिए पहले क्या था कि ये वाला जो ग्रुप था ये इस CH3 के साथ बॉन्डेड था, अब CH3 से बॉन्ड तोड़ने के बाद जो एनायन बन रहा है उसके एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो अगर बॉन्ड तोड़ने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो आसानी से लिव कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये वाला जो ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये आपको एनिसोल दिखाई देगा। और ये तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर CH3 आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों ये जो मिथाइल आयोडाइड में आयोडीन क्या है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, है ना, और SN2 अटैक करके यहाँ से आयोडीन लीव करेगा और फाइनली कहने का तीनों ऑप्शन से आपको जो है एनिसोल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 इसमें बच्चों ये देखिए Br2+ का FeBr3 बेसिकली ये क्या करता है, ब्रोमियम आयन बनाता है और ब्रोमियम आयन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है जो इस बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कहाँ पर बढ़ाएगा, इस ऑर्थो पोजिशन पर, जब रेजोनेंस करोगे आप तो जब आप रेजोनेंस करोगे तो इस तरह से रेजोनेंस होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर खुलेगा तो इसके ऑर्थो पोजिशन पर और थोड़ा कनेक्शन फेल हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फिनोप्थैलीन दिया हुआ है इज ऑब्टेन बाय, तो सबसे पहले हमें आपको समझना पड़ेगा ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, इस तरह से एक थैलिक एनहाइड्राइड ले लें इस तरह का, ऐसा डबल बॉन्ड ओ और ओ, ठीक है। तो थैलिक एनहाइड्राइड और दूसरे तरफ अगर हम फिनोल ले लें, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फिनोप्थैलीन बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। अब बेसिकली अब होता क्या है इसमें, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक्चुअली में क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर जो है, ऑक्सीजन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है यहाँ से रेजोनेंस करके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और कहाँ पर बढ़ाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो बेसिकली इस पैरा पोजीशन पर जो बनने वाला एनायन होगा ना, ये एनायन क्या करता है, इस कार्बोनिल पर अटैक करता है, तो जब कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये ओ माइनस बाद में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको जो है कुछ इस तरह से
इस तरह का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ कर दिया, ऐसे ठीक है, इधर तो OH और यहाँ पर जो है आप इस तरह से एक फिनॉल बना दीजिए, ठीक है। बाद में क्या होगा, फिर से ये यहाँ से जो OH है प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से लीव करेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर से फिनॉल का जो दूसरा मोल होता है वो यहाँ पर आकर एक बार फिर से जैसे ये जुड़ा है वैसे ही जुड़ जाता है और उसी का नाम होता है फिनोफ्थैलिन, ठीक है। तो बेसिकली ये फिनॉल और थैलिक एनहाइड्राइड से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 139 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 139 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडर गो रीमर टीमर रिएक्शन। देखिए बच्चों, रीमर टीमर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रीमर टीमर फॉर्माइलेशन और एक होता है कार्बोक्जिलेशन। एक में एल्डिहाइड बनता है और दूसरे में कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, लेकिन ये रिएक्शन होता है बच्चों किसका, फिनॉल का, ठीक है। जबकि ये बेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन और ये बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, तो कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 में कहता है द के वैल्यू, के वैल्यू का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनॉल इज मोर देन इथेनॉल। देखिए इस तरह से फिनॉल ले लिया और दूसरे तरफ हमने ले लिया CH3CH2OH ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो बेसिकली क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें देखना है तो एसिड का डेफिनेशन होता है कि अच्छा एसिड वही होगा या वही हो सकता है, ठीक है, अच्छा एसिड वही होगा या वही हो सकता है जो आसानी से प्रोटॉन दे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, प्रोटॉन देने के बाद जो बनने वाला एनायन है वो एनायन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जिस कंपाउंड का एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही अच्छा एसिड माना जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि बच्चों, यहाँ से इसका अगर यहाँ से प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो देखिए ओ माइनस बना रहा है और ये देखिए CH3CH2 और ओ माइनस बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एनायन बन रहा है इसको देखिए इस रिंग के साथ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, क्या मिल रही है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है तो इसका मतलब इसका जो एनायन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है, एनायन को स्टेबिलिटी मिलता है हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय क्या हो रहा है, प्लस का आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो और इसका दुर्दशा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फर्स्ट वाला जो है अच्छा एसिड है, तो वही यहाँ पर बोला है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्यों, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर जो एनायन बन रहा है, ठीक है, एनायन बन रहा है फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन एथॉक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 में कहता है कंपेयर द रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। देखिए एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि आप सबसे पहले इन सबका प्रोटोनेशन कीजिए, प्रोटोनेशन करने के बाद जो है OH2+ बनेगा सब जगह, ठीक है। फिर कहता है कि जब आप इसका मतलब जब प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन करने के बाद जल्दी कौन डिहाइड्रेट होगा, मतलब किस कंपाउंड से H2O जल्दी निकलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, प्रोटोनेशन के बाद अब ऑक्सीजन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब ये क्या है कि फरफरा रहा है, क्यों, बॉन्ड तोड़ने के लिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अनस्टेबल वाला सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि इन तीनों कंपाउंड में से फास्टली किससे निकलेगा, तो फास्टली किससे निकल लेगा, इसको जानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बॉन्ड तोड़ दीजिए। कुल मिलाकर बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जिस कंपाउंड का कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से बॉन्ड फास्टली टूट जाएगा, यही इसका फंडा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिलाकर यहाँ से कार्बोकेटाइन बना देना है, यहाँ से इसको तोड़कर कार्बोकेटाइन बना देना है और यहाँ से बच्चों देखो यहाँ से भी कार्बोकेटाइन बना देना है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दूसरे का है, क्यों, देखिए इस रिंग के साथ इसको रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा वाला है, ठीक है, तीसरा वाला क्यों है बच्चों, यहाँ से देखिए ये CH2 है और CH2 है तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है और यहाँ पर बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन, बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, समझ गए बात को, तो ठीक है। तो ये वाला जो है हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है,
तो कहने का मतलब यह हो गया कि इन तीनों में सबसे फास्टली फास्टली डिहाइड्रेट कौन होगा, तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दूसरे का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है फिनॉल ऑन द रिएक्शन विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन एसिडिक मीडियम। फिनॉल का रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और आपको क्या मिलेगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर BDC ले लिया, N डबल बोन, N कुछ ऐसा होता है ट्रिपल बोन यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इसके सामने क्या आ गया बच्चों, इसके सामने आ रहा है देखिए यहाँ पर फिनॉल, ठीक है, कौन आ रहा है फिनॉल। एक्चुअली में क्या होता है, ये बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बेंजीन है और बेंजीन पर ये जो डाइजो मतलब N2 लगा हुआ है, तो N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, समझ गए बात को। लेकिन चूंकि ये बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है तो इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए ये N2 गैस लीव ना करके वहीं पर रुका हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या है कि इसके सामने मतलब इस BDC के सामने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सामने अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे सिंपल इस तरह से बेंजीन आ जाए, ठीक है, सिंपल बेंजीन आ जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाता है और ये वाला जो है यहीं पर जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है, समझ के बात को। लेकिन अगर उसके सामने कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर फिनॉल में देखिए, फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये क्या करता है, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये क्या करता है, ये डायरेक्ट यहीं पर इस नाइट्रोजन पर अटैक मार देता है, समझ के बात को, ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन पर जाकर अटैक मार देता है, मतलब एक प्रकार से नाइट्रोजन गैस को रिलीज होने नहीं देता है, समझ के बात को। तो कंपाउंड बनेगा क्या, तो बनाना कुछ भी नहीं, इस नाइट्रोजन से आपको इस तरह से फिनॉल लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर OH लगा देना है। अब आप गौर से देखिए, तो इस वाले इस डाइजो ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके ऑप्शन बी को देखिए, लिखा हुआ है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और इस पूरे वाले का नाम क्या है बच्चों, एजो बेंजीन हो गया, समझ गए बात को, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हो गया, तो यही वाला प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट क्या मिला ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 143 के बारे में। 143 में कहता है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है, फिर से वही वाली बात आ गया, डिहाइड्रेशन करवाना है, तो डिहाइड्रेशन करवाना है तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम प्रोटोनेशन करके और आप क्या कीजिए, कार्बोकैटायन बना लीजिए, यहाँ भी कार्बोकैटायन बना लिया, यहाँ भी कार्बोकैटायन, यहाँ भी कार्बोकैटायन और यहाँ भी कार्बोकैटायन। अब इन सब में जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं से डिहाइड्रेट होगा फास्टली। अब सवाल उठता है क्यों, कारण ये है कि जैसे बात देखिए, कार्बन जो है ना, कार्बन के साथ H2O है और कार्बन के साथ H2O सब में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो H2O तो निकलना चाहता है, मतलब H2O इस कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ना चाहता है, ठीक है। तो सवाल उठता है किस में बॉन्ड टूटेगा जल्दी, देखिए बच्चों, इस कार्बन का बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ है और बॉन्ड टूटना चाहता है, तो किस में बॉन्ड जल्दी टूटेगा इसका निर्णय ये इस बात से लिया जा सकता है कि बॉन्ड टूटने के बाद स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप गौर से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में बच्चों इस बेंजीन रिंग, ये बेंजीन देखिए इसके साथ कंजुगेशन में और ये इसके साथ कंजुगेशन में, कहने का मतलब इस कार्बोकैटायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी प्राप्त है। अब बोलोगे कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो बी में भी प्राप्त है, लेकिन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बी में प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर लार्ज कंजुगेशन सिस्टम नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखिए सेपरेटली इधर रेजोनेंस हो रहा है, उधर ये सेपरेटली हो रहा है, ठीक है, और जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लार्ज कंजुगेशन सिस्टम बन रहा है, और यदि किसी भी कंपाउंड में एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम होता है तो वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा ज़्यादा होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा हो कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 144 में बात करेंगे, कहता है फिनोल इज लिस्ट रिएक्टिव, फिनोल इज लिस्ट रिएक्टिव फॉर द एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है। देखिए बच्चों, ये OH है और ये फिनोल है, और इसके साथ रिएक्शन किसका करवाना चाहते हैं हम, किसी न्यूक्लियोफाइल का। एक बात बताइए, ये जो OH है, ये OH है, ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है, ठीक है, ये क्या करता है, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस करता है, ठीक है, इस रिंग के अंदर रेजोनेंस। इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण होंगे। पहला कारण तो यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर मौजूद है वो क्या करता है, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, बढ़ाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जैसे ही बढ़ाता है तो ये तो खुद अपने आप में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ थोड़े टकराएगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ टकराता है, पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने से देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये वाला बॉन्ड और मजबूत हो जाएगा। तीसरी बात कि ये OH यहाँ से ली भी नहीं करेगा, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला हुआ है, कहता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सही बात बोला है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन। देखिए सही बात है, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है, विच में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। कैसे स्ट्रॉन्गर बना, रेजोनेंस करने से, जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया उसके कारण, ठीक है। तो ये भी सही है, दो सही हो गया, तो ऑल आर करेक्ट ही होने वाला है। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम विच डिक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। सही बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये एक प्रकार से अल्कोहल दिया हुआ है, और अल्कोहल का रिएक्शन जो है सोडियम के साथ है, मेटल के साथ। जैसे ही किसी अल्कोहल का रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, तो ये क्या करता है, तुरंत हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, और यहाँ पर ये एनायन बनाएगा, और ये एनायन क्या करेगा, इसके ऊपर SN2 अटैक करके और यहाँ से आयोडीन को लीव कर देगा, ठीक है। अब ये वाला कार्बन जो है बच्चों क्या है, काइरल है, ठीक है। तो देखिए इस वाले कार्बन के बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया ना, कहने का ये वाला बॉन्ड तो नहीं टूटा है, तो नहीं टूटा है तो ये जैसे था वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने से फाइनली जो है आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, सी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक ही नहीं हुआ तो इसका कन्फिग्रेशन जैसा था, कन्फिग्रेशन मतलब जैसा इसका बनावट था, जैसा इसका स्ट्रक्चर था, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बस इस ऑक्सीजन से आपको CH3 को जोड़ देना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में कहता है इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द रीमर टीमर रिएक्शन। देखिए बच्चों रीमर टीमर रिएक्शन मतलब ये फिनॉल ले लिया, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से CHCl3 और बेसिक मीडियम OH- ले लेते हैं, ठीक है। जब हम क्लोरोफॉर्म का बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या बनता है, इस तरह से 3 क्लोरीन ले लीजिए यहाँ पर, ये OH- क्या करता है, पहले हाइड्रोजन को निकालता है कार्बन आयन, और फिर से यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाता है, और फाइनली जो है ये डाई क्लोरोकार्बिन बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, कहने का हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो एक कार्बिन होता है, उसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बिन। ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 147 है ना, इसका जो है फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया गया है, और हमसे केवल नाम पूछा है, तो इसका नाम होता है एल्वे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसको याद भी रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 में कहता है फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल और फिनॉल को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखिए बच्चों ये जो फिनॉल है ये ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है, जबकि अल्कोहल नहीं करता है, और ये जो FeCl3 है FeCl3 के साथ भी ये टेस्ट देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों के साथ जो है रिएक्शन फिनॉल करता है लेकिन अल्कोहल नहीं करता है, तो इन दोनों से जो है हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 में इस तरह से दिया हुआ है, अब हमसे जो है बेसिकली ये देखिए पीनाकोलोन रिएक्शन पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन होता है, तो प्रोटोनेशन होने के लिए दो दो साइड दिया हुआ है,
लेकिन प्रोटोनेशन के बाद जो बनने वाला कार्बोकेटाइन होता है वो कार्बोकेटाइन हर हमेशा स्टेबल पोजिशन पर बनता है। तो देखिए यहीं पर हम क्या करेंगे, पहले प्रोटोनेट करके कार्बोकेटाइन बनाएंगे और इस कार्बोकेटाइन को दो दो बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल पोजिशन पर बनता है, बन गया ओके। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद माइग्रेशन होता है, क्या होता है माइग्रेशन। तो देखिए ये वन और ये टू, तो यहाँ पर दूसरे पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वन टू मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वन टू मिथाइल शिफ्ट लगाएंगे तो यहाँ पीएच, यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना और यहाँ पर CH3 बन गया और यहाँ पर OH बन गया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि ये कार्बोकेटाइन पहले से ज़्यादा स्टेबल था तो अब यहाँ पर क्यों आया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी तो ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होगा और सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी कंपाउंड इसमें अपने आप को बदलना जरूर चाहेगा, समझ गए बात को। तो इससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी सोचिए आप, कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट ही तो है और इंटरमीडिएट का लाइफ क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। माना कि इंटरमीडिएट स्टेबल है लेकिन ये सब दिन इंटरमीडिएट के रूप में ही तो नहीं रहेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में भी तो इसको बदलना है। तो फाइनल में प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वो भी स्टेबल प्रोडक्ट में बदलने के लिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है और ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 में बच्चों फिनॉल दिया हुआ है और ये H2SO4 है 110 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते हो ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो है सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसमें दो तरह के रिएक्शन होता है, एक होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर और एक होता है 110 डिग्री सेल्सियस पर। कम डिग्री वाले टेम्परेचर पर तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और ज़्यादा डिग्री वाले पर जो है ये पैरा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये यहाँ पर SO3H लग जाएगा। फिर बाद में जब हम इसका NaOH के साथ फ्यूजन करेंगे तो ये सबसे पहले नंबर तो सोडियम सॉल्ट बनाता है सल्फोनिक एसिड का ही, और फिर बाद में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है वास्तविक में इस तरह से फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। खास करके ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है इन रीमर टीमर रिएक्शन द मोलिकुलर वेट ऑफ द फिनॉल इज इंक्रीज बाय। देखिए सबसे पहला नंबर क्या होता है बच्चों, इस तरह से एक फिनॉल होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है। बाद में क्या होता है, तो बाद में यहाँ से ये फिनॉल तो वैसे ही रह जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर और CHO में बदल जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाकर CHO में बदल जाता है। चलिए तो ये वाला ग्रुप ही तो बदला है, तो बताइए यहाँ पर जो है इसका मोलिकुलर वेट कितना है, ये जो एक्स्ट्रा मोलिकुलर वेट हो। तो देखिए कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 29, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो था पहले, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये बना हुआ है, तो एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे एक को, ठीक है। तो फाइनली 28 से ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, समझ में आया क्या। देखिए बच्चों ये पूरा एज इट इज, ये जो पूरा है ये तो एज इट इज, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या चीज़ का चल रहा है। इसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था और हाइड्रोजन के बदले ये चीज़ आया, तो पहले ये निकाल लेंगे, उसमें हाइड्रोजन का माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिपेयरिंग एस्पिरिन। ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सही से बता देते हैं, ये सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है और ये COOH है। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या है कि इस तरह से OH और ये COOH कंपाउंड, अब इसके सामने जो है एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड वगैरह कुछ भी इस तरह का सिस्टम आ जाए, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करता है, डायरेक्ट इस कार्बोनिल पर अटैक करता है। तो जब ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये ओ माइनस के रूप में कन्वर्ट होगा, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो ये दोबारा रीअटैक करके सी डबल बॉन्ड ओ के रूप में रहना चाहेगा। तो जैसे ही रहेगा तो कार्बन फरफराएगा, कार्बन दो बॉन्ड चार बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ये देखिए एसीटेट आयन है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो फाइनली जो है आपको यहाँ पर
कहने का मतलब ये देखिए सी ओ ओ एच और ये देखिए ऑक्सीजन किससे जुड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ से और सी एच थ्री से। बाद में देखिए यहाँ से प्रोटोन निकलेगा और ये जो एसीटेट आयन है वो बना लेगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक है, इस वाले में देखिए डी वाले में ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पर अगर अटैक कराएंगे तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब जहाँ पर अटैक होने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर अटैक होने जा रहा है वहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी दो होना चाहिए। तो ये देखिए एसीटेट आयन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बहुत ही आसानी से बेस्ट मेथड हमसे पूछा है तो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 में बच्चों देखिए यहाँ पर अल्कोहल भी है और ये मिथॉक्सी ग्रुप भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस रिंग के अंदर बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, के ओ एच प्लस सी एच सी एल थ्री, तो के ओ एच प्लस का सी एच सी एल थ्री आपको पता है, अभी मैंने बताया था सी सी एल टू ये कार्बिन बनाता है। ठीक है, और ये कार्बिन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब सवाल उठता है इस इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होगा। देखिए जब किसी बेंजीन रिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हों तो उन दोनों में से जो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है उसी के हिसाब से मतलब इलेक्ट्रोफाइल उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फिनोल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा इसके हिसाब से, देखिए ये ऑर्थो और ये रहा पैरा। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर CCl2 जो है यहीं वाले इस पैरा वाले पोजिशन पर आकर लग जाएगा। तो जैसे ही ये पैरा पोजिशन पर लगेगा तो ये देखिए इस तरह से CCl2 हो जाएगा। बाद में हम क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो OH में इस तरह से दोनों क्लोरीन OH में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अगले स्टेप में ये जो है बेसिकली CHO में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा आपको, कहाँ पर, पैरा पोजिशन पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है फिनॉल रिएक्ट विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव चार्ज और इधर दिया हुआ है फिनॉल। ठीक है, तो ये देखिए फिनॉल में जो ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है एज ए कार्बन आयन ये इस वाले नाइट्रोजन पर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा और फाइनली जो है अगर आप देखें तो ये बच्चों इस तरह से एन डबल बॉन्ड एन और उसके बाद यहाँ से इस तरह से आप एक रिंग बना दीजिए। ठीक है, और ये एक प्रकार से डाइजो है ना, डाई एजो, इस तरह से एजो डाई जो बोला गया है ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 में कहता है इस तरह से फिनॉल दिया हुआ है, फिर से वही वाली बात रीमर टीमर फॉर्माइलेशन है, तो ये क्या करेगा वही CCl2 जो अभी मैंने बताया था कार्बिन बनाएगा। अब सवाल उठता है ये अटैक कहाँ पर करेगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजिशन पर होगा। तो देखिए ये क्या करेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पर और पैरा पर, और पैरा पोजिशन तो इसका ऑलरेडी ब्लॉक है, तो चूंकि पैरा पोजिशन ब्लॉक है तो ये कार्बिन यहीं वाले पर जुड़ जाएगा और बाद में जो ये जो CCl2 है यही कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CHO में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 में बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CO2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये क्या करेगा रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर बढ़ाएगा। तो जैसे बढ़ेगा तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, तो ये कार्बन आयन क्या करता है इस वाले कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से ये वाला बॉन्ड खुल जाता है और फाइनली जो है ये ओ एच और ये देखिए यहाँ पर सी ओ और ये ओ माइनस ओ एच ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर जो है पैरा पोजिशन पर अटैक क्यों नहीं हुआ, बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है ये मतलब जो इसका जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ये इसीलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है ये एस्टिक एनहाइड्राइड के इस कार्बोनिल पर अटैक कर देता है, कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करता है। तो जब ये कार्बोनिल पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा ओ माइनस के रूप में, दोबारा री अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली जो है आपको एज ए प्रोडक्ट के रूप में देखिए क्या मिलेगा, मैं बना देता हूँ ये इस तरह से, देखिए यहाँ पर तो बन जाएगा COH और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये सी डबल बॉन्ड ओ और CH3।
तो ए और बी दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो देखिए ए में तो ये मिल रहा है और बी में ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 157 में अगर हम बात करें तो देखिए ये बच्चों ये एक ईथर है, साइक्लिक ईथर है, और साइक्लिक ईथर का क्या है कि एसिडिक मीडियम में हीटिंग किया गया है, तो ईथर तो वैसे इनर्ट होता है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, जैसे ही हम इसका कहने का मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करने के बाद बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और फाइनली जो है ये OH में और ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको OH में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखते जाइएगा, OH में कन्वर्ट करोगे तो एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से ये डिहाइड्रेट होकर C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या करेगा, टोटोमेराइज करके इस तरह का OH सिस्टम में कन्वर्ट होना पसंद करेगा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। अब क्या होने वाला है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब ये जो H प्लस के साथ हीटिंग दिया हुआ है उसका काम होगा, जैसे ही H प्लस करेंगे तो ये H2O प्लस यहाँ से निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसके ठीक बगल वाला कार्बन है जहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड एक और बन जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरे रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनने से ये क्या बन रहा है, ये एक प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, और ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, और कहने का फिनॉल बन जाएगा, और इससे इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 158 कहता है फिनॉल इज कलरलेस लिक्विड, फिनॉल इज कलरलेस लिक्विड, ऑन कीपिंग लॉन्ग टाइम इट कन्वर्टेड इंटू द ब्राउन रेड कलर, ठीक है, ब्राउन रेड कलर, फिर उसके बाद कहता है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड ऑन कीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इट कन्वर्ट्स इंटू ब्राउन ड्यू टू, अच्छा कहता है कि ये जो रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, तो इसका देखिए आएगा एयर ऑक्सीडेशन इनटू द पैरा बेंजो क्विनोन, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कहने का ये एक एक्सपेरिमेंटल बात है, इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल इज सोलेबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट जैसा कि देखिए यहाँ पर इस तरह से पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है OH और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रो है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब है कि HCO3- है, तो ये HCO3- यहाँ से जब रिएक्शन करने का मतलब एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये बाद में जो है H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में। तो अब आप जानते हो कि कोई भी रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को कहने का रिएक्टेंट से फॉरवर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, तो रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बाद में वीक एसिड बनना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला बच्चों वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, समझ गए बात को। तो बेसिकली क्या है कि इस तरह के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक फिनॉल दे देगा, ठीक है, और इस तरह से एक नाइट्रो फिनॉल दे देगा, ठीक है, और ऐसा भी दे सकता है कि दो जगह नाइट्रो दे देगा फिनॉल और तीन नाइट्रो फिनॉल दे देगा, इस तरह के कंपाउंड दिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि बी में देखिए एक नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है चौथे पोजीशन पर, टू नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है, तो हर हमेशा कार्बोनिक एसिड के साथ, कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ आपको कंपेयर करना हो तो बच्चों केवल एक ही सिचुएशन में जो है H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है ये जो फिनॉल है, जब फिनॉल के ऊपर कम से कम दो NO2 ग्रुप लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, दो NO2 ग्रुप लगा हुआ। सवाल उठता है क्यों, बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ से बेस H+ को निकालेगा तो यहाँ पर एनायन बनेगा,
अब आप जानते हो कि ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये उतना ही अच्छा एसिड होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये केवल फिनोल के रूप में रहता है तो ऐसी स्थिति में यही H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, लेकिन जब इसके ऊपर जो है दो तीन NO2 ग्रुप लग जाते हैं, कम से कम दो NO2 ग्रुप, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है वो कार्बन आयन को और पूरी ताकत के साथ खींचने लग जाता है एनायन को, और आप जानते हो कि एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये भी एक प्रैक्टिकल टाइप का ही क्वेश्चन था, POC पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें आपको एक बात सीखने को मिला कि फिनॉल के केस में H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होने के लिए फिनॉल में कम से कम दो NO2 ग्रुप होने चाहिए। तो इसमें देखिए तीन तीन NO2 ग्रुप दिया हुआ है, तो यही वाला जो है कहने का मतलब है कि H2CO3 में कन्वर्ट होगा और NaHCO3 से सोलेबल होने का मतलब है कि उसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 में बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये CO2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली NaOH जो है, ठीक है, NaOH क्या करता है बच्चों, ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल कर ऑक्साइड में बदल देता है और ये क्या करता है रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ा देता है। तो ये जो ऑर्थो पोजिशन पर जो कार्बन आयन बना ये क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा और अटैक करेगा ये खुल जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर जो है ये इस तरह से यहाँ पर OH और ये जो है एक प्रकार से यहाँ COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इस एसिटिक एनहाइड्राइड के इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, ये दोबारा रीअटैक करके, चूंकि ये एसीटेट आयन बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो है आपको ऑप्शन नंबर बी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी मैंने बताया भी था कि एस्पिरिन कैसे बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है अपने से, CHCl3 और KOH लिया हुआ है और कहता है कि फिनोल से हमने ये कंपाउंड बनाया है, तो बताइए इसके लिए इंटरमीडिएट क्या रहा हुआ है। तो इंटरमीडिएट बच्चों इसका क्या हो जाता है, कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। कैसे बनता है, तो देखिए ये Cl, ये Cl, ये Cl दिया हुआ है। सबसे पहला नंबर ये जो बेस है ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल कर कार्बन आयन, ठीक है, और ये वाला जो ट्राइक्लोरोकार्बन है ये अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से एक क्लोरीन और रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो H निकलता है ये HCl आपस में मिल जाते हैं और फिर बाद में जो है ये डाइक्लोरोकार्बिन बनाते हैं। तो यही होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रोफाइल रीमर टीमर फॉर्मुलेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स द रीमर टीमर रिएक्शन। देखिए रीमर टीमर रिएक्शन केवल फिनॉल में देखने को मिलता है, तो इसमें नहीं मिलेगा, ये नाइट्रो है नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, ये देखिए नाइट्रो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 फिर से वही वाली बात पूछा, देखिए यहाँ पर CHCl3 दिया है और NaOH दिया है, तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, अभी बताए थे डाइक्लोरोकार्बिन बना लेगा, ठीक है, CCl, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो और पैरा पर, तो ये ऑर्थो पर जो बनने वाला कार्बन आयन है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर CCl2 पर मतलब अटैक कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ इस तरह से OH और यहाँ पर जो है बच्चों CCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में क्या होगा, बाद में इसका जब फिर से हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये Cl जो है ये दोनों OH में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होता है तो डिहाइड्रेट करके ये CHO में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रीमर टीमर फॉर्मुलेशन। तो डायरेक्ट ये रिएक्शन ही आपसे पूछ लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर शायद गलत है, क्यों है समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन करवाना है, तो HI के साथ रिएक्शन करवाना है तो ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटोन को सबसे पहला नंबर खाएगा, तो जैसे ही खाएगा तो ये OH2+ बनाएगा, जैसे ही OH2+ बनाएगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ऑक्सीजन अब क्या होगा, फरफराने लगेगा। ठीक है, क्यों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है, समझ के बात को, तो ये चाहता है कि भाई कैसे भी करके मैं स्टेबल हो जाऊं, न्यूट्रल हो जाऊं, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए तैयार रहता है, तो तुरंत ये बॉन्ड, इसीलिए बोला जाता है कि H2O एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है,
तो जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, तो ये जो आई माइनस है, ये आई माइनस यहीं वाले इस वाले कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो है इस कार्बन से आयोडीन जुड़ गया, अब ये OH। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है एक्सेस। तो एक्सेस लिखने का मतलब यह है कि ये चाहता है कि आप यहाँ पर फिर से वैसे ही कर दीजिए, जैसे आप OH2+ करोगे, जैसे ही आप OH2+ करोगे तो आप यहाँ से इसको तोड़ के और उसके बाद कार्बोकेटाइन बनाना चाहोगे। बच्चों बेंजीन रिंग पर कार्बोकेटाइन बनना मतलब हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होता है, कभी भी नहीं बनेगा, कारण नंबर वन। कारण नंबर टू क्या है, देखिए बच्चों ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कंजुगेशन में है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण क्या ये बॉन्ड टूटेगा आसानी से, नहीं टूटेगा, समझ गए बात को। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर एक्सेस दिया है आपको भ्रम में डालने के लिए, केवल इस वाले कार्बन पर ही आयोडीन जुड़ेगा, और ऐसा प्रोडक्ट हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। बस अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, और ये थोड़ा दिमाग गर्म करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, बाकी है नहीं, समझते हैं। कहता है एन अल्कोहल पी विच गिव्स पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जानते हैं IIT के क्वेश्चन में और मेडिकल के क्वेश्चन में ये अंतर है। अब यहाँ पर जैसे ये बोला ना एन अल्कोहल पी गिव्स पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट अंडरगो रिएक्शन विद द 2 moles ऑफ PCC, ठीक है, गिव्स द कंपाउंड क्यू। मतलब पी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया, समझ में आई बात। जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देना चाहिए, एक हिंट दिया है यहाँ पर पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, समझ के बात को। और डायरेक्ट हमसे जो है देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्या पता है क्यों पूछा गया है, समझ में आई बात। तो भाई पी कंपाउंड है, बात सही है, लेकिन क्या क्या है, मतलब उसका मोलिकुलर फॉर्मूला एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए था ताकि अनुमान लगा सके, लेकिन नहीं दिया है, तो हमें क्या है अब यहीं से अनुमान लगाना पड़ेगा 165 वाले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर बच्चों पी एक अल्कोहल है, पी क्या है, एक अल्कोहल है जो कि आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है और अंडर गो रिएक्शन विद द 2 moles ऑफ PCC, 2 बार PCC यूज में लेना है, ये भी एक हिंट है, और कंपाउंड क्यों मिला है, और हमसे कंपाउंड क्यों ही डायरेक्ट पूछ दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इन्हीं सब में से कोई एक पी रहा होगा, समझ के बात को। अब क्या पी क्या क्या हो सकता है सोचिए, पहला नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सोचिए, पहला इसलिए नहीं हो सकता है बच्चों कि अगर ये अल्कोहल के फॉर्म में रहा होगा और जब दो मोल PCC यूज में हुआ होगा, तो ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री वाले अल्कोहल को ये एल्डिहाइड में बदलता है PCC, और 2 डिग्री वाले को ये किस में बदलता है, कीटोन में बदलता है, ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1 डिग्री वाले को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री वाले को कीटोन में बदलता है, ये बात हम लोग जानते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है कि यहाँ पर ये अल्कोहल के रूप में ही रह गया, इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मोल PCC यूज करना है, इसने तो यूज नहीं किया ना, तो ये तो पी नहीं है, ये हो सकता है। अच्छा ये हो सकता है, तो अब देखिए बच्चों ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, इसका मतलब अल्कोहल का हम अनुमान लगाएंगे, तो अल्कोहल का अनुमान लगाएंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा रहा होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा CH3, ठीक है, और इधर कैसा रहा होगा, तो इधर रहा होगा CH2OH, तभी तो इसका PCC के साथ जब हम इसका ऑक्सीडेशन किए तो ये कीटोन में बदल गया और ये एल्डिहाइड में बदला है। यहाँ पर देखिए बच्चों ये दोनों का दोनों क्या है, ये देखिए कैसा रहा होगा, तो ये रहा होगा कि यहाँ पर भी 2 डिग्री का अल्कोहल है और यहाँ पर भी 2 डिग्री का अल्कोहल है, समझ में आई बात, और यहाँ पर ये दोनों केस में जो है 1 डिग्री का ही अल्कोहल रहा हुआ है CH2OH और CH2OH, लेकिन है, ठीक है। तो कहने का मतलब BCD तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन में कहता है कि विच गिव्स द पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। देखिए बच्चों पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन सा देता है, पॉजिटिव आयोडो फॉर्म देता है मिथाइल कीटोन देता है, या फिर देता है 2 ऑल वाला सिस्टम इस तरह का, ठीक है,
मिथाइल, देखिए दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल लगा हुआ हो तो देता है। अब अगर आप गौर से देखिए, हमने सारे के सारे बनाए हैं, यहाँ पर देखिए अंडर गो रिएक्शन विद द 2 मोल ऑफ PCC ये दे दिया, ठीक है। तो केवल आपको इस बात से पहचानना है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए स्ट्रक्चर ये होना चाहिए और अल्कोहल से हमें पहचानना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस बी वाला हमने ये बनाया था, ठीक है, बी वाले को अगर हम देखते हैं तो देखिए CH3 और दूसरे पर OH लगा हुआ है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए तैयार है। इस लास्ट वाले का देखिए हमने बनाया था तो ये CH2OH ऐसा था, ठीक है, तो ये भी LDIHD और ये भी LDIHD, तो नहीं, ये नहीं देगा, तो इसका मतलब डी भी गायब हो गया। इस वाले में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये भी 2 डिग्री का अल्कोहल है और ये भी 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो इधर से भी ये CH3 और इधर से भी CH3 है। कहने का मतलब है कि इस वाले पोजीशन से भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, इस वाले से भी दे सकता है, तो बी और सी दोनों आंसर हो सकता है। समझ में आई बात। फिर कहता है कंपाउंड क्यू ऑन रिएक्शन विद, हाँ अब देखिए कंपाउंड क्यू के बारे में हमें सोचना है, तो कहने का मतलब है कि या तो हमें बी को और सी दोनों को लेकर चलना होगा, ठीक है, क्योंकि पी के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्लियर तो किया नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम बी को लेकर चलते हैं, तो वह इसी स्थिति में कहता है कि अब अगर हम इसका क्यू के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड क्यू ऑन रिएक्शन विद, क्यू का रिएक्शन जो है डाइल्यूट KOH के साथ हीटिंग के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको R मिलता है। और अगला स्ट्रक्चर देखिए हमसे R ही पूछा गया है, तो चलिए अब हम जरा इसको बनाने का कोशिश करें। इस तरह से ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये बच्चों दिया हुआ है ऐसा कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, और ये हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चों, जो बेसिक मीडियम में OH- है ये क्या करेगा, डायरेक्ट इस वाले कार्बन मतलब इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ पर कार्बन आयन बनाएगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया आपने सर, ऐसा हमने इसलिए किया कि देखिए ये OH- यहाँ भी अटैक कर सकता था, यहाँ भी अटैक कर सकता था, लेकिन आप जानते हो कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, तो ये इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ पर कार्बन आयन बना, और जैसे ही कार्बन आयन बना तो ये इंट्रामोलेकुलर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड खुलेगा, है ना, जैसे ही ये बॉन्ड खुलेगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 मेंबर का एक रिंग बना लेना है, 5 मेंबर का इस तरह से एक रिंग बना लेना है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये कुछ ऐसा 1, 2, 3 हो गया। चौथे वाले पर देखिए ये बन गया बच्चों, इधर से O माइनस बाद में ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप ऐसे करके जोड़ दिया क्या। अब उसके बाद जैसे ही हम इसका हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हीटिंग करने का मतलब डी कार्बोक्लेट हो जाएगा और यहाँ से ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके और ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ऐसा। और ऐसा ऑप्शन देखिए बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर आप बी को लेकर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप जो है मान लीजिए सी वाले को लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर आप सी वाले को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर भी वैसे यहाँ पर कार्बन आयन बनाइए, कार्बन आयन बनाकर इसके ऊपर जो है अटैक करवाएंगे, ओके हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर कार्बन आयन बनाएंगे, यहाँ पर अटैक करवाएंगे, तो आप यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट बनाकर चेक कर सकते हो कि मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है ये OH हो जाएगा और यहीं पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड है और जैसे हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। समझ में आई बात। तो इस तरह का देखिए कंपाउंड कहीं दिया हुआ है क्या कि जिसमें मिथाइल भी है यहाँ पर डबल बॉन्ड पर, देखिए एक भी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मिथाइल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लेकर चलोगे तो आपको ये मिलेगा और बी लेकर चलोगे तो ये, और चूंकि क्वेश्चन में कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया हुआ है
तो इसलिए बी है ना, कहने का मतलब क्यू प्रोडक्ट जो है वो बी होने वाला है, और पी प्रोडक्ट जो है बच्चों हमारा ये वाला है, ठीक है, जो कि आयोडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, अल्कोहल भी है, तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, और क्यू के बाद आर मिल गया, ठीक है। अब आर के बाद देखिए अब आगे क्या कहता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद कहता है कि जो आर मिला है उसका आप ओजोनोलाइसिस कीजिए, और ओजोनोलाइसिस करने के बाद प्रोडक्ट एस मिल रहा है। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए ये मिल गया। ओजोनोलाइसिस में करना कुछ भी नहीं है, इस तरह से यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देना है आपको। तो जैसे ही आप बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर भी लगा दीजिए आप, और सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर भी लगा दीजिए। अब कहता है बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो देखिए ये हमें साफ साफ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट चेक करता हूं। ओके हाँ सही है, ऑप्शन सही है, मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट होगा, और ये तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका अलग से। तो ये देखिए यहाँ पर ये है सी एच ओ मिल रहा है, और इधर बच्चों मिल रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, और ये भी मिल रहा है सी एच ओ, ठीक है। तो हम क्या सी में देख रहे थे यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में सी एच ओ, और इधर यहाँ पर देखिए डाई कार्बोनिल मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। ओजोनोलाइसिस ऑफ आर लीड्स द ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड एस, ट्राई कार्बोनिल का मतलब तीन तीन सी डबल बॉन्ड होंगे, और जैसा कि हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी था, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी कमी यही थी कि स्टार्टिंग में कुछ हिंट देने चाहिए थे, हालांकि नहीं भी दिया तो भी हम आगे चलकर आंसर तो निकाल ही लिए, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा। और मेडिकल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम में क्या है कि थोड़ा ट्रिकी टाइप का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। खैर जो भी था अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन जो है 167 तक ही करेंगे, इस वीडियो में सॉल्यूशन हम लोग 167 तक ही करेंगे, 167 के आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, और बस इतना ही।